Bishnoi resigns as Congress MLA. Kuldeep Bishnoi, who was an MLA from the Congress party, is stepping down from his position. After a long heated conversation regarding his shifting of parties, it is most likely to be seen that he will be joining the BJP party. जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है, ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30-30 साल पहले चुनाव कभी जीते होंगे। सारे फैसले गलत हैं, सारे फैसले पूरे हिंदुस्तान में गलत होते जा रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ बिल्कुल खत्म होने का कगार पे। जिस शरीर में जान होती है उसी के लोग विरोध करते हैं, मुर्दों का कौन विरोध करेगा। कुलदीप बिश्नोई में अगर कुछ दम है तभी लोग बोल रहे हैं, नहीं होता वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई जैसे। मैं कुलदीप बिश्नोई ने सिद्धांतों और ईमानदारी और नैतिकता की राजनीति की है, मेरी छवि पाक साफ है और आगे ही वही रहेगी। भूपेंद्र सिंह हुडा वजह नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से, भूपेंद्र सिंह हुडा ने मुझे चैलेंज किया था भी कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दे, तो मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मैंने आज इस्तीफा दे दिया है। परम आदरणीय स्पीकर साहब जब मंजूर कर लेंगे और डिप्टी स्पीकर साहब, तो मैं आपके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुडा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए, ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें। हाँ, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदेश होगा तो अवश्य बात करूंगा। और जिस प्रकार इनका परसों चिंतन शिविर हुआ, आपने फोटो भी देखे, वीडियो देखे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है। कुलदीप हेल्ड अ मीटिंग विद हिज सपोर्टर्स एट हिज आदमपुर ऑफिस इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट हिज रेजिग्नेशन एंड द शिफ्टिंग ऑफ पार्टी। दिस इज कैन सनल फॉर इंडिया अहेड हिसार।